हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दोज कॉमन मिस्टेक्स विच आर ऑफनली डन बाय आवर एमएनएस एस्पिरेंट्स। यानी आज हम डिस्कस करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स बहुत कॉमनली करते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने की ही होगी। शायद वो कंफ्यूज रहते हैं या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग इतने पैनिक हो जाते हैं कि उनसे मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज मिस्टेक्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएँ ताकि यू विल बी नोटिफाइड ऑन अवर एवरी नेक्स्ट वीडियो। देन अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आवर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। एंड इफ़ यू आर एन एमएनएस एस्पिरेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन 2021, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट रिटन एग्जामिनेशन विद आस, देन You will get our number on your screens. आपको हमारा number कहाँ मिल जाएगा? Screens पर display हो रहा है भाई। इसके साथ ही साथ अगर आप channel के previous videos देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा? I button पर click करिए, previous videos आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ एक और बात, आप चाहें तो हमें Instagram, Facebook, Telegram किसी भी social media handle पर follow कर सकते हैं। We are waiting there for you. चलिए आप बात को आगे बढ़ाएं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज मिस्टेक्स विच आर ऑफनली डन बाय आवर एमएनएस एस्पिरेंट्स। मिस्टेक्स, देखो हर एक कैंडिडेट कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है, चाहे या तो वो अनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर वो पैनिक कर जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हर एक कैंडिडेट कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है। आज हम डिस्कस करेंगे उन सारी मिस्टेक्स को ताकि आपके दिमाग में वो रहें और आप अगर कुछ उनमें से याद रहती हैं तो आप वो मिस्टेक्स ना करें, उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जब आप वो मिस्टेक्स जो आप करते हो फॉर्म फिल करते टाइम, वहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाता है। एज़ आई हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो कि आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है। वो वीडियो कौन सा था, वो फॉर्म कौन सा था, अगर नहीं पता है तो फटाफट से चैनल के प्रीवियस वीडियोस पे जाइए और वहाँ पर जाके देखिए कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होता है और कैसे फिल करना होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है उसमें आप कॉमनली मिस्टेक करते हो कि अगर आपने एड्रेस लिखा है तो पिन कोड नहीं लिखा, ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स हैं। उसके बाद आप अगर अपनी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री बता रहे होते हो तो मिस्टेक्स करते हो कि कितने ड्यूरेशन के करने हैं, कितने देर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी मिस्टेक्स आप फॉर्म फिल करते टाइम करते हो। देखो, लेट मी सजेस्ट यू वन थिंग दैट इफ़ यू आर गिविंग योर एड्रेस एट एनी वेयर, कहीं भी आप अपना एड्रेस दे रहे हो तो प्लीज़ मेंशन योर पिन कोड, ऑलवेज मेंशन योर पिन कोड, बिकॉज विदाउट मेंशनिंग योर पिन कोड योर एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट। तो कभी भी अपना एड्रेस लिखो, कहीं भी एड्रेस लिख रहे हो ऑलवेज मेंशन योर पिन कोड, दैट इज़ कंपल्सरी, दैट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज विदाउट पिन कोड योर एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, पिन कोड ज़रूर मेंशन करो। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू टेक योर फोटोग्राफ्स, एटलीस्ट 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद यू, बिकॉज यू हैव टू पेस्ट दोज फोटोग्राफ्स ऑन एवरी फॉर्म। आपको हर एक फॉर्म पे फोटोग्राफ लगानी होती है, तो टेक योर एडहेसिव विद यू। हालांकि दे प्रोवाइड एडहेसिव, वो वहाँ पे आपको एडहेसिव देंगे, बट इट विल बी बेनिफिशियल दैट यू आर टेकिंग योर एडहेसिव विद यू, ताकि अननेसेसरली आपको वेट ना करना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। यू आर हैविंग ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो टेक योर एडेसिव, टेक योर पेन्स, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, ऑलवेज यूज़ बॉल पॉइंट पेन फॉर फिलिंग एनी फॉर्म।
कोई भी फॉर्म भरना हो तो बॉल पॉइंट पेन का यूज़ किया करिए, ताकि उसकी जो इंक होती है वो फैलती नहीं है, मैसी नहीं होती। तो ऑलवेज़ यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ओके, टेक कैरी टू ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स, कैरी योर एडेसिव, देन डोंट फॉरगेट टू कैरी योर 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके साथ यू हैव टू पेस्ट दोज फोटोग्राफ्स ऑन एवरी फॉर्म। डू नॉट फॉरगेट टू मैंशन योर पिन कोड अलॉन्ग विद योर एड्रेस। इसके साथ ही साथ द कॉमन मिस्टेक्स विच आर ऑफनली डन बाई यू वाइल मैंशनिंग योर मेडिकल हिस्ट्री। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं अपनी हिस्ट्री को, मेडिकल हिस्ट्री को मैंशन करते टाइम। आप क्या करते हो, आपसे पूछा जाता है कि इनकेस अभी आप कुछ टाइम पहले लाइक प्रीवियस 6 ईयर्स में या फिर प्रीवियस 12 मंथ्स में अभी आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या फिर ऐसा कोई सीन है, तो आप अननेसेसरली उसमें कुछ भी लिख देते हो, अननेसेसरली पैनिक कर जाते हो। यार अगर छोटा सा फीवर भी आया था तो 1-2 घंटे के लिए भी हॉस्पिटल गए थे, फिर भी आपने वहाँ पे लिख दिया। नो, प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स। प्लीज़, इनसे क्या होता है, दे फॉर्म एन इमेज अबाउट यू दैट दिस कैंडिडेट इज़ मेडिकली अनफिट, समवॉट मेडिकली अनफिट, क्योंकि ही बिकॉज शी हैज़ टू विजिट हॉस्पिटल्स रेगुलरली। प्रीवियस 6 मंथ्स में भी हॉस्पिटल गया था, ठीक है, तो हो सकता है शी मस्ट बी हैविंग एनी मेडिकल इशू। तो प्लीज़ डू नॉट राइट एनी मेडिकल हिस्ट्री विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसी अननेसेसरली इलॉजिकल मेडिकल हिस्ट्री मत लिखिएगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सोच समझ के मेडिकल हिस्ट्री वाला कॉलम फिल करिएगा, ठीक है। अगर सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स की मेडिकल हिस्ट्री पूछी जा रही है, साथ ही साथ पेरेंट्स की तो मेडिकल हिस्ट्री पूछी ही जाती है, उनको ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी बेकार में मेंशन करने की वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दे विल फॉर्म एन इमेज अबाउट यू दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ हैविंग एनी टाइप ऑफ जेनेटिक इशू या फिर एनी टाइप ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ मेडिकल इशू, सो शी हैज़ टू विजिट हॉस्पिटल्स रेगुलरली। सो डू नॉट डू दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स वाइल फिलिंग योर फॉर्म एंड वाइल फिलिंग द कॉलम ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। ये वाला मिस्टेक आप मत करिएगा प्लीज़। इसके साथ ही साथ आप मिस्टेक करते हो एक बहुत कॉमन वाइल योर मेडिकल्स, आप मेडिकल्स में मिस्टेक करते हो कि जब आपका हियरिंग टेस्ट हो रहा होता है, आप क्या करते हो, पीछे की लड़कियां शोर मचा रही होती हैं, ठीक है, पीछे यार यू आर आस्क्ड टू फॉर्म अ लाइन, तो पीछे की जो लाइन होती है वाइल योर हियरिंग टेस्ट इन योर ENT डिपार्टमेंट, तो पीछे लड़कियां क्या कर रही होती, दे स्टार्ट गॉसिपिंग, वो गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग, बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भले ही वहाँ पे साइलेंट मोड ऑन है, भले ही वहाँ पे एक वैकेंट रूम है, बट देयर इज़ पिन ड्रॉप साइलेंस, और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में भी अगर समवन इज़ विस्परिंग तो यू कैन हियर दैट वेरी इजीली। तो लड़कियाँ जो गॉसिप करना स्टार्ट कर देती हैं, बात करना स्टार्ट कर देती हैं, प्लीज़ अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक लड़की हुएवर इज़ फेसिंग ENT टेस्ट, हुएवर इज़ फेसिंग हियरिंग टेस्ट, उसको वो नंबर जो वहाँ पे कॉल किया जा रहा है वो सुनने में दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ अगर आप हियरिंग टेस्ट के लिए हो, यू इफ़ यू हैव फॉर्म्ड अ लाइन, इफ़ यू हैव गॉन फॉर योर ENT टेस्ट, बेसिकली हियरिंग टेस्ट, तो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट टॉकिंग, डू नॉट स्टार्ट मेकिंग अ नॉइस, प्लीज़ कीप क्वाइट, बी साइलेंट ओवर देयर, बिकॉज समवन इज़ फेसिंग हियरिंग टेस्ट एंड योर लिटिल नॉइज, a bit noise can cause confusion between those numbers which are being called by that MNS officers. तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, अननेसेसरली किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, शोर मत मचाइए, कोई भी ऐसी चीज़ें मत करिए जिससे किसी और को भी प्रॉब्लम हो। इसके साथ साथ मेडिकल में जब आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, यू आर आस्क फॉर द टेस्ट ऑफ हेमरॉइड्स, तभी आपको बहुत ज़्यादा इशू होती है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो, लाइक यू आर फेसिंग शेम और सम काइंड ऑफ हेजिटेशन, प्लीज़ अवॉइड दिस, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पे, जो भी ऑफिसर हैं जो आपका चेक कर रहे होते हैं, दे गॉट इरीटेटेड बाई यू, वो आपसे क्या होते हैं, आपके वो उस बिहेवियर से इरीटेट हो जाते हैं, लाइक यू आर बींग, यू आर हेजिटेटिंग और यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद देम, यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। भैया दे हैव टू डू सो मैनी वर्क्स, उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं और आपके अननेसेसरी
ये चीज़ें उन्हें इरिटेट कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दे कैन स्कोल्ड यू, वो आपको डांट भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मत करिएगा, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करिएगा। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, दे आस्क यू टू सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। वहाँ पर जो आपको फॉर्म दिया जाता है या फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स की अपनी फ़ोटोकॉपी सबमिट कर रहे होते हैं, ओरिजिनल में तो नहीं, जो आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ले जाते हो, यू हैव टू सेल्फ अटेस्ट देम। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है उन डॉक्यूमेंट्स के नीचे यू हैव टू मेक योर ओन सिग्नेचर, वहाँ पर आपको अपने खुद के सिग्नेचर करने होते हैं। यू हैव टू मेंशन द डेट दैट व्हेन यू आर साइनिंग ऑन देम, तो यू हैव टू मेंशन द डेट एंड यू हैव टू डू योर ओन सिग्नेचर ऑन दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें आपको अपने खुद के सिग्नेचर करने होते हैं, यानी उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, आप बिना सेल्फ अटेस्ट किए ऐसे ही चले जाते हो, तो फिर वहाँ पर जो आपके जहाँ पे सबमिट हो रही होती है वहाँ पे आपको डांट पड़ती है। ये सारी गलतियाँ मत करिएगा जो आप फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो, उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके ले जाइएगा, ठीक। साथ ही साथ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसे ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं बट स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फॉरगेट, वो भूल जाते हैं कि उन्हें ये डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो उनका डॉक्यूमेंट उनके घर पर ही छूट जाता है। ऐसा काम मत करिएगा, क्रॉस चेक योर डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू आर लीविंग योर होम फॉर MNS इंटरव्यू, क्रॉस चेक योर डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव केप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू टेक विद यू और नॉट, ठीक है, कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं जो आपको आपके साथ ले जाने हैं या फिर नहीं, ठीक है। क्रॉस चेक करके ही डॉक्यूमेंट्स घर से जाइएगा। इसके साथ ही साथ द मेन मिस्टेक विच यू डू वाइल फेसिंग योर MNS इंटरव्यू, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज मिस्टेक्स। आप जब आप अपना इंटरव्यू फेस कर रहे होते हो तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स आप करते हो, यू डू मीन्स आई हैव सीन दैट, मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि जो आपकी मिस्टेक होती है वो होती है बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज में आप इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो अपनी कि आप एक अलग से इमेज फॉर्म कर लेते हो अपनी। देखो, बॉडी लैंग्वेज इज़ अ थिंग विच शोज़ योर कॉन्फिडेंस, ठीक। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को शो करती है। इफ़ यू आर अ सेल्फ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, यू आर फिल्ड विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपका कॉन्फिडेंस अलग से दिखाई देता है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, अननेसेसरली पैनिक होने की, शोर मचाने की वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। कीप ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। इंटरव्यू फेस कर रहे हैं फिर भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी पॉस्चर है, दैट शुड बी फिल्ड विद कॉन्फिडेंस। वो वहाँ पर भी आप भले ही आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हो, आपके सामने इंटरव्यू पैनल है, फिर भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी वो भी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से फुल होना चाहिए। अननेसेसरली आप टैप मत करो फ्लोर को, अननेसेसरली अपने हैंड मूवमेंट, फुट लेग मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करो, ठीक है। कोई भी बॉडी पार्ट अननेसेसरली इधर उधर मूव मत करो, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स और ऐसी चीज़ें मत करो जिससे कि आपको लगे, जैसे कि इंटरव्यूइंग जो पैनल है उसको लगे कि आप पैनिक हो रहे हो या फिर आपको वो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लैक कर रहे हो और घबरा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके बाद कई कंडीशन ऐसी देखी जाती है कि वाइल फेसिंग योर इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू फेस कर रहे होते हो ओ एंड इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, आपको कोई आंसर नहीं आता, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे चुप हो जाते हो, ठीक है। आपके फेस में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि यार इसका आंसर तो मुझे नहीं आता, और पसीने पसीने, ठीक है। फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट अ सिंपल वर्ड सॉरी, यू हैव टू से सॉरी टू योर इंटरव्यूइंग पैनल, आपको अपने पैनल को सॉरी बोलना है और बस, ठीक है। यू हैव टू से सॉरी वेरी पोलाइटली दैट सॉरी मैम और सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। बस आपको बहुत पोलाइट वे में सॉरी बोला है। सी क्या बच्चा, देखो, नो वन इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया, कोई भी एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। एवरीबडी इज़ हेयर टू लर्न, आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी, सो नन इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया,
कोई भी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ अपने अलग अलग फेज लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वहाँ पर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर नहीं आता हो, तो अननेसेसरली चुप हो जाना, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना, ये सारी मिस्टेक्स वहाँ पर मत करिएगा। जस्ट से सॉरी कि सॉरी मैम और सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी। बस एक बहुत पोलाइट वे में आप आंसर करिए, बहुत पोलाइट वे में सॉरी बोलिए, एंड ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज नन इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया एंड दे आर मच एक्सपीरियंस्ड पीपल, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, दे कैन जज यू बाई योर फर्स्ट लुक, वो आपको आपके पहले लुक से ही जज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं जो वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने बैठते हैं, ऐसे में अननेसेसरली क्वेश्चन मार्क मत क्रिएट करिएगा, उन्हें बस सॉरी बोलिएगा, उन्हें पता है कि आप एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो और हर एक कैंडिडेट कुछ ना कुछ सीख ही रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मत करिएगा। इसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो, You do not follow the instructions which are given by the coordinators over there. आपके जो वहाँ पे coordinators होते हैं या फिर जो MNS officers होते हैं जो आपको help कर रहे होते हैं पूरे medicals के duration में, आप उनके instructions को follow नहीं करते हो, you people start moving here and there, you people start doing what you want. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मत करेगा, आपको पता नहीं होता कि कौन आपको कब कहाँ से कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो अननेसेसरली ऐसी मिस्टेक्स मत करिएगा। I hope I have mentioned the common mistakes which are being done by MNS aspirants. अगर आपको अभी भी कोई doubt बचता है, you can share your doubt in the comment section. We are waiting for your questions. We are waiting for your comments. Thank you so much for being with us. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.